एक समय की बात है, जंगल में मोमो नाम का एक शरारती बंदर रहता था। मोमो हमेशा किसी न किसी प्रकार का मजेदार व्यवसाय करता था और अन्य जानवर भी नहीं जानते थे कि वह आगे क्या करने वाला है। एक धूप वाले दिन मोमो ने एक केले का पेड़ देखा जिसमें सबसे विशाल केले थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। उन स्वादिष्ट फलों में से एक को अपने पास रखने के विचार से ही उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन एक समस्या थी, केले उसकी पहुंच से दूर पेड़ पर काफी ऊपर लटके हुए थे। मोमो ने अपना सिर खुजाया और एक योजना बनाने की कोशिश की। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसे पास में एक लंबी झुकी हुई बेल मिली और उसने केले तक पहुंचने के लिए इसे झूले के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने बेल के एक सिरे को पेड़ की शाखा से बांध दिया और दूसरे सिरे को कसकर पकड़ लिया। यहाँ कुछ भी नहीं। जैसे ही वह केले तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ा, मोमो चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वह एक को पकड़ने ही वाला था वह चूक गया और गोल गोल घूमते हुए हवा में उड़ गया। मोमो की कलाबाजी देखकर जंगल के अन्य जानवर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। अपने पहले प्रयास से विचलित हुए बिना मोमो ने इसे एक और प्रयास करने का फैसला किया। वह गति बढ़ाते हुए आगे पीछे घूमता रहा और फिर सही समय पर उसने इस उम्मीद में उसे छोड़ दिया कि इस बार वह एक केला पकड़ लेगा। लेकिन उस आश्चर्य हुआ, बेल उसके हाथ से फिसल गई और वह एक बड़े छींटे के साथ सीधे मिट्टी के ढेर में जा गिरा। अब सिर से पांव तक कीचड़ में सना मोमो चॉकलेट से बनी छोटी बंदर की मूर्ति जैसा लग रहा था। अन्य जानवर हंसी से दहाड़ने लगे, खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गए। मोमो भी हंसी में शामिल हो गई, यह महसूस करते हुए कि कभी कभी सबसे अच्छी योजनाएं भी गलत हो सकती हैं। जैसे ही मोमो अन्य जानवरों के पास वापस चला गया, एला नाम की एक मिलनसार हथिनी अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ उसके पास आई। उसने अपनी लंबी सूंड ली, पास की नदी में से थोड़ा पानी निकाला और पूरे मोमो पर छिड़का, कीचड़ साफ किया। मोमो ने खुद को हिलाया और एला को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से मोमो और एला सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा एक साथ नए रोमांच की तलाश में रहते थे और जब भी वे केले की घटना को पीछे मुड़कर देखते तो वे खूब हंसते और खूब को याद दिलाते कि कभी कभी सबसे मजेदार क्षण अप्रत्याशित आश्चर्य से होता है। और इसलिए जंगल हंसी और खुशी से भरा रहा। यह सब शरारती बंदर मोमो और उसके मजेदार केले साहसिक कार्य के लिए धन्यवाद। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।